Hey guys, I am Preeti and welcome back to my channel. So guys, कैसे हो आप लोग? I hope बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे. Guys, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फ्लेयर प्लाजो सूट के कुछ डिज़ाइंस. ये मोस्टली फ्लेयर एंड लूज प्लाजो टाइप सूट्स हैं जो कि आप अभी समर सीजन में पहन सकते हो. समर्स में आपको पता ही है ना, थोड़े से फ्लेयर एंड लूज गारमेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहनने में, बिकॉज वो एयरी होते हैं, आप इजीली ब्रीथ कर पाते हो. इस तरीके से प्योर कॉटन के आप बनवा सकते हो. हाईलाइट करने के लिए कुछ पाइपिंग वगैरह करा लो. इस तरीके का लूज कलीदार या रफल वाले प्लाजो या लेयर्ड प्लाजो भी आप बनवा सकते हो. अगर प्लेन प्लाजो सूट आपने बनवाया फ्लेयर, तो उसे आप एक कॉन्ट्रास्ट दुपट्टे के साथ या फिर प्रिंटेड दुपट्टे के साथ पेयर कर सकते हो. सिल्वर या गोल्डन पाइपिंग का यूज़ कर सकते हो, या पतला वाले गोटे का यूज़ भी कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए. थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए दुपट्टों में लेस लगा के एनहांस कर सकते हो, बजाय सूट पे बहुत ज़्यादा कुछ कराने के. उससे क्या होता है कि इतना वो गर्मी नहीं लगती, फैब्रिक हैवी नहीं हो जाता अगर आप सिर्फ दुपट्टा अपना थोड़ा सा वैसा रखते हो. और नीचे ना ये आप ऑर्गेन्जा के रफल देख रहे हो ना, इस तरीके का ट्रेंड भी आजकल बहुत चल रहा है प्लाजो में या पैंट में ऑर्गेन्जा का पैच लगाना, रफल लगाना. आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं. और आजकल थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड और हैंड पेंटेड दुपट्टे बहुत चल रहे हैं. आप इस तरीके के सूट्स को एनहेंस करने के लिए हैंड पेंटेड या ऑर्गेन्जा पे थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के दुपट्टे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है. सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इसमें से कुछ डिज़ाइंस आपको ज़रूर पसंद आएंगे. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक और शेयर ज़रूर करना. मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. आई विल सी ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.